भारत के बाद अब पाकिस्तान अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि मौलवियों का प्रभाव, पितृसत्तात्मक समाज और गर्भ निरोधक तक पहुंच की कमी इस बढ़ती जनसंख्या की मुख्य वजह है। पाकिस्तान दुनिया का पांचवा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। विश्व बैंक के अनुसार 2021 में इसकी आबादी 23 करोड़ तक पहुंच गई। पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के निवासी 50 वर्षीय सरदार जन मोहम्मद खिलजी को गर्व है कि उनके कई बच्चे हैं। खिलजी ने बताया कि उनकी 3 पत्नियां हैं और इन 3 पत्नियों से उनके 59 बच्चे हैं और हाल ही में जनवरी माह में उनके 60वें बच्चे का जन्म हुआ। ऐसे ही एक और शख्स है जो अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तान के कबायली इलाके उत्तरी वजीरिस्तान के रहने वाले मस्तान खान वजीर ने बताया कि उनके कुल 22 बच्चे हुए, जिनमें से कुछ की मौत हो चुकी है। 70 वर्षीय वजीर ने कहा कि वे खुद को अभी भी जवान मानते हैं और चौथी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सभी पत्नियां एक ही कबीले से है। उनमें से एक उनके छोटे भाई की विधवा पत्नी है जो भारतीय सैनिकों से लड़ते हुए कश्मीर में मारे गए थे। 22 बच्चे पैदा होने के बाद भी वे कहते हैं कि मैं और बच्चे पैदा करना चाहता हूं ताकि वे काफिरों और दुश्मनों से लड़ सके। खान वजीर आगे कहते हैं कि वे अपने तीनों पत्नियों को अलग अलग रखते हैं और कहते हैं कि अगर मैं उनको साथ रखूं तो वे आपस में झगड़ा कर लेगी। साथ ही आगे खान वजीर कहते हैं कि ये बच्चे अल्लाह की नेमत है, कोई उसे और बच्चे पैदा करने से नहीं रोक सकते। खान वजीर और मोहम्मद खिलजी जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का पांचवा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 2021 में इसकी आबादी 23 करोड़ तक पहुंच गई थी। 2022 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जनगणना की कि पाकिस्तान की प्रजनन दर प्रति महिला लगभग 3.3 बच्चे है, यानी पाकिस्तान की प्रत्येक महिला 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है। रूढ़िवादी इस्लामिक देश पाकिस्तान दुनिया में सबसे अधिक जन्म दर वाले देशों में से एक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का अनुमान है कि 2090 तक पाकिस्तान की जनसंख्या 40 करोड़ को पार कर लेगी। पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की राजनीतिज्ञ और पूर्व विधायक यास्मीन लहरी का मानना है कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़का पैदा करना चाहते हैं, इस वजह से वे कई बच्चे पैदा करते हैं। उन्होंने बताया कि कबायली समाज में लड़कों का होना रुतबे और ताकत का प्रतीक होता है। जिन परिवारों में ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके पास ज़्यादा ताकत और प्रभाव होता है। यास्मीन लहरी ने आगे कहा कि पुरुष तब तक बच्चे पैदा करते हैं जब तक उन्हें बेटा पैदा न हो। अगर उन्हें पहली या दूसरी पत्नी से बेटा पैदा नहीं होता है तो वे तीसरी और चौथी शादी भी करते हैं। साथ ही पाकिस्तानी सांसद किश्वर जेहरा ने कहा कि कुछ परिवारों का मानना है कि अधिक बच्चे होने से उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। लड़के कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करके पैसा कमाते हैं और लड़कियां घरों में काम करती है। पाकिस्तान पंजाब में नेशनल प्रोग्राम हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन की केंद्रीय अध्यक्ष रुखसाना अनवर ने धार्मिक मौलवियों को परिवार नियोजन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखती है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर महिलाओं को विरोध और अत्याचार का सामना करना पड़ता है क्योंकि मौलवियों का तर्क है कि परिवार नियोजन इस्लाम के विरुद्ध है। इस वजह से पाकिस्तान में परिवार नियोजन को कलंक के तौर पर माना जाता है। तो इसके विरुद्ध में पाकिस्तानी नेता मोहम्मद जलालुद्दीन कहते हैं कि मौलवी परिवार नियोजन का विरोध नहीं करते हैं। हर कोई अपनी इच्छा से अपने परिवार को बढ़ाता है, लेकिन अगर कोई चाहे तो वह अपनी इच्छा से परिवार को छोटा या कम बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन अगर कोई परिवार ऐसा नहीं करना चाहता है तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तान सरकार के पास धन की कमी है। देश का जनसंख्या विभाग भी इस संकट से अछूता नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वेतन भी देरी से मिल रहा है। नेशनल प्रोग्राम हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन की रुखसाना अनवर ने बताया कि सरकार महिला स्वास्थ्य कर्मियों को गर्भ निरोधक दवाई मुहैया नहीं करा रही है।
संबंधित सरकारी विभागों, अस्पतालों और मेडिकल दुकानों के पास गर्भ निरोधक गोलियों, इंजेक्शन और कंडोम जैसे उचित संसाधनों की कमी है। उनका कहना है कि इन सब चीज़ों की कमी होने से उनका दाम लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के जनता के पास उन्हें खरीदने के लिए धन नहीं है। कराची में रहने वाले स्वास्थ्य विशेषज्ञ और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष टीपू सुल्तान का मानना है कि सरकार परिवार नियोजन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का यह मुद्दा यूं ही बना रहे ताकि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुदान और धन मिल सके। पाकिस्तान में महिलाओं को बच्चे पैदा करने और बड़े परिवारों का भरण पोषण करने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2018 के पोषक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए यूनिसेफ की पाकिस्तान मातृ पोषण रणनीति रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मां बनने वाली उम्र की महिलाओं में 14% महिलाओं का वजन कम है, तो वहीं 24% औरतें अधिक ज़्यादा वजन से पीड़ित है, 13% मोटापे से ग्रस्त है और 41% महिलाओं में खून की कमी है। साथ ही 22% महिलाओं में विटामिन ए की कमी पाई गई है। टीपू सुल्तान आगे बताते हैं कि मैंने देखा है कि बेहद कमजोर महिलाएं भी बार बार गर्भ धारण कर रही है। कमजोर महिलाएं कमजोर बच्चों को जन्म देती है और वे कुपोषित बच्चों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। इस वजह से वे सामान्य बच्चों की तरह विकसित भी नहीं हो पाते। तो यह सब था आज की इस वीडियो में, और कमेंट में बताना कि भारत को परिवार नियोजन के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी इसी तरह हमारी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।